नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एच के नॉलेज एंड मोर। मैं उमेश कुमार स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में। आज एक न्यू टॉपिक मैं आज सबके लिए लेकर आया हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये जो टॉपिक है ये एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड है। एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इस बेस पर मैं इस टॉपिक को आज क्लियर करने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चर्चा स्टार्ट में किया था, तब शुरुआत में शुरुआती वीडियो अगर आपने देखे होंगे ध्यानपूर्वक तो आपको याद होगा कि मैंने थोड़ा सा चर्चा भी किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा डिटेल है और आपके सिलेबस में भी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। जैसा आप सबको पता है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, इस सेक्शन के फर्स्ट वीडियो में, कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ अनेक वायुमंडलीय परत से घिरी हुई लेयर है, स्तर है। ठीक है, मान लो हम ऐसा समझें कि ये हमारी एक पृथ्वी है, ये हमारी एक अर्थ है, अर्थ, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ कई लेयर हैं। किसकी लेयर है? वायुमंडल की ऐसी परत है, ऐसा ये एक परत, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे होगा, ऐसा नहीं है ना। ये गोल घेरा जो बना रहा हूँ ये साबित कर रहा है, ये बता रहा है कि ऐसी वायुमंडल की सघनता कैसे चारों तरफ से घेर कर रखी हुई है पूरी पृथ्वी को। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इस पृथ्वी के चारों तरफ जिसमें हम लोग रहते हैं इसकी चारों तरफ कई मील ऊंचाई तक, कई मील ऊंचाई, ये पृथ्वी पर गोल है तो ऊंचाई किधर होगा, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, कई मील की ऊंचाई तक गुरुत्वीय बल के कारण वायुमंडल बंधा हुआ रहता है, मतलब इसी के साथ भ्रमण करते रहता है। और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कई प्रकार के, वायुमंडल में कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन वगैरह निष्क्रिय मात्रा में भी है। ठीक है, निष्क्रिय गैसेस भी है। मैंने संगठन बताया था आपको पिछले कुछ वीडियो में, पहले की वीडियो में, पृथ्वी तल से हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है, इस इमेज को हम थोड़ा सा ऐसे बनाएं, तो इसको मैं बनाता हूँ ऐसे थोड़ा डार्क। ठीक है, ये हो गया सघनता को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, ये एयर की सघनता को दर्शा रहा है, डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पर, वायु की डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसमें थोड़ा दूर दूर बना देते हैं, थोड़ा कम बनाते हैं, मतलब जैसे जैसे आप पृथ्वी तल के ऊपर जाते जाते हैं वायु की परतें पतली होती जाती है, मतलब वायु की सघनता कैसे होती जाती है, ख़त्म होती जाती है, ये इसको हल्का कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब वायुमंडल की जो परत है उन परतों में वायु की जो घनत्व है वो कम होता जाता है ऊपर जाते समय। आपको पता होना चाहिए कि जब हम पृथ्वी तल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी एटमॉस्फेयर के बारे में। जब हम पृथ्वी तल से 3 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो हमको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, हमारे सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जो पर्वतारोही रहते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन के थैले लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये जाने कि वायुमंडल की जो वायु है वो उसमें से लगभग 75% भाग पृथ्वी के चारों ओर केवल 10 किलोमीटर के एरिया में है, मतलब किसका 10 किलोमीटर के एरिया में लगभग 75% एटमॉस्फियर है, वायुमंडल है, समझ लीजिए इसको। 10 किलोमीटर के एरिया में ही, पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर के एरिया में ही, मान लो मैं कहता हूँ कि ये पहला वाला एरिया, ये वाला एरिया 10 किलोमीटर का है, तो ये लगभग 75% पार्ट बना रहा है। कितने पार्ट बना रहा है? 75% बना रहा है। अब वायुमंडल की वायु का जो 99% पार्ट है, ठीक है ना, कितना 99% जो पार्ट है ये पृथ्वी के चारों ओर 32 किलोमीटर के घेरे में उपस्थित है,
हमारे पृथ्वी के जब 32 किलोमीटर के ऊपर जाते जाते हैं तो एटमॉस्फियर का 99% पार्ट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब इस जगह से शुरू होगा तो 32 किलोमीटर तक, अगर मैं इसको 10 किलोमीटर कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ सेकंड लेयर ले लेता हूँ, सेकंड लेयर तक अगर मैं इसको मानूँ 32 किलोमीटर मान रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 32 किलोमीटर मान रहा हूँ, तो ये बोलूँगा मैं कि 99% एटमॉस्फियर यहाँ पर है, समझ गए। अब क्या करेंगे, पृथ्वी तल से 32 किलोमीटर के घेरे के बाहर, 32 किलोमीटर के घेरे के बाहर, समझ रहे हैं ना, संपूर्ण वायु का केवल 10% पार्ट बच रहा है। देखो कितना परसेंट पार्ट बच रहा है, 10% पार्ट बच रहा है 32 किलोमीटर के ऊपर, मतलब लगभग 99, मतलब ऐसा लिखूं मैं इसको, 99% एटमॉस्फियर यहीं पर है, 99%, बाकी जो बचता है लगभग 1-10% पार्ट वो उसके ऊपर है। और कहाँ पर ऊपर है, 10% जो पार्ट बचता है वो 400 किलोमीटर तक होता है, 400 किलोमीटर बाकी के 10%, इसको बोल सकते हैं अपन 1-10% तक का पार्ट, ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, लगभग वहाँ पर निर्वात या शून्य मानी जाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं, एयरलेस बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कभी कभी 10,000 की ऊंचाई तक भी एटमॉस्फियर मिलेगा आपको, 10,000 ऊंचाई पर भी एटमॉस्फियर मिलेगा, और इस जगह पर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे निष्क्रिय या इनएक्टिव गैस ही मिलेंगी आपको, ठीक है। अर्थात आप ये कह सकते हैं अगर सीमा में जाएं, आप लिमिट में जाएं वायुमंडल की, तो 10,000 किलोमीटर तक है, क्लियर है, 10,000 किलोमीटर तक आपको वायु की परत मिल सकती है। अब मैं बात करता हूँ मास ऑफ एयर के बारे में। अब बोलेंगे क्या वायु का वजन होता है, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि वायु का वजन होता है तो आपको थोड़ा सोचने में अटपटा लगेगा, हो सकता है कि आपको पता भी होगा, आप जानते भी होंगे, ठीक है, तो आपको पहले जानकर आश्चर्य होगा कि वायु स्थान घेरती है। वैसे अब बोलेंगे हम जिस जगह पर है, मैं जिस जगह से बात कर रहा हूँ आपके साथ, यहाँ पर कोई वायु नहीं है मेरे को डिस्टर्ब करने वाला, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि वायु स्थान घेरती है, वायु का भले ही कोई निश्चित आयतन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वायु एक द्रव्य है, एक मैटर है, वायु क्या है, एक द्रव्य है, एक मैटर है, मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मास के बारे में बात कर रहा हूँ, भार के बारे में बात कर रहा हूँ, वायु एक मैटर है, एक द्रव्य है, नॉट लिक्विड, ठीक है, इसको हिंदी में मैं लिखता हूँ द्रव्य, नहीं इस पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, मैटर ये द्रव्य है, ठीक है ना, दूसरे द्रव्यों की भांति वायु में भी मास होता है, वेट होता है इसका अपना, इसका अपना वजन होता है, ठीक है। इसको आप एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, आपको लेना है एक फुटबॉल का ब्लैडर, क्या लेना है, फुटबॉल ब्लैडर लेना है, मतलब जिसमें हवा भरी जाती है, फुटबॉल के अंदर आपने देखे होंगे ट्यूब जैसे एक स्ट्रक्चर रहता है, वो ब्लैडर कहलाता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उस फुटबॉल के ब्लैडर को भौतिक तुला के बाएं पलड़े पर रखना है, खाली ब्लैडर को, ठीक है ना, खाली ब्लैडर को किस में रखना है, बाएं पलड़े पर रखना है, और दाहिने पलड़े पर बाट रख देना है, कि आपको देखना है कि फुटबॉल का जो ब्लैडर है खाली, ये एम्प्टी है अभी, खाली है, ठीक है, इसको भौतिक तुला के बाएं पलड़े पर आपने रखा, इसका वजन आपने तौल लिए बाट रखकर, अब वो वजन को नोट कर लीजिए, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब सेकंड में क्या करेंगे, आप इस फुटबॉल के ब्लैडर में एयर भरकर, विद एयर, क्या करेंगे, विद एयर ब्लैडर का वेट करेंगे, किसका वेट करेंगे, ब्लैडर का वेट करेंगे, हवा सहित, अब हवा भरेंगे उसमें और उस ब्लैडर का वेट करेंगे, उसको तौल लेंगे, उसका वजन ज्ञात कर लेंगे। अब आपको देखने में ये पता चलेगा जो हवा भरा हुआ ब्लैडर है इसका जो वजन है ये ज़्यादा मिलेगा, ये ज़्यादा मिलेगा, इसका वेट, इसका वजन ज़्यादा मिलेगा और इसका जो वेट है वो कम मिलेगा, ठीक है। इससे ये साबित हो सकता है, इससे ये साबित होता है कि हवा भरे ब्लैडर का वजन खाली ब्लैडर से ज़्यादा होता है, अर्थात ये सिद्ध होता है कि वायु में क्या होता है, वजन होता है, वायु में वेट होता है, वायु में वेट होता है, वायु का अपना मास होता है, याद रखिए आप लोग, क्लियर है। अब बात करते हैं हम प्रेशर की, वायुमंडल के दाब के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं प्रेशर की, वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रेशर होता है, दाब होता है, मैंने ऊपर जो कीवर्ड लिखा था
उसको बारी बारी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर के बारे में, किसके बारे में, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ, वायुमंडल का दाब के बारे में। आपको पता है कि जिन वस्तु में भार होता है वे प्रेशर डालती है, ठीक है। अब इसको भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा कि जिन वस्तु में भार होता है वो दाब डालती है। देख लीजिए, उठा के बड़ा सा पत्थर उठा के देख लीजिए, वो आप पर दबाव डालेगी। हो सकता है कि उसके दबाव में आप झुक जाए नीचे, पत्थर उठाते उठाते ऐसा भी हो जाए कि पीछे की तरफ गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब वस्तु में भार हो तो वो दाब डालती है, ठीक है। चूँकि वायु में भी भार होता है तो वो भी दाब डालेगी, क्लियर है। वायु में भी भार है, अभी हमने सिद्ध किया ना, वायु का अपना वजन होता है, तो इसका भी दाब होता है, ये भी दाब डालेगी। तो वायुमंडल की वायु प्रत्येक परत पर, हर परत पर, हर लेयर पर, अपने ऊपर सभी परतों का दाब पड़ता है। मतलब वायुमंडल की वायु प्रत्येक परत पर अपने ऊपर वाली सभी परतों का दाब पड़ता है। ये एक परत हो गई, ठीक है, ये दूसरी परत हो गई, तो एक परत का दूसरी परत पर दबाव रहता है, ठीक है ना, दूसरी परत का तीसरी परत पर दबाव रहता है। ये दबाव डालती है पृथ्वी तल पर, क्लियर है। सभी परतों का अपना एक निश्चित दबाव होता है। वायुमंडल के इस वायु स्तंभ द्वारा पृथ्वी तल पर डाले गए दबाव को, दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी तल के एकांक क्षेत्रफल पर, पृथ्वी तल के, ये पृथ्वी का तल हो गया एक, ठीक है, मान लो इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी के एकांक तल पर, ये इसको मैं परिभाषित कर रहा हूँ ना, पृथ्वी तल के एकांक क्षेत्रफल, ये एकांक क्षेत्रफल है पृथ्वी तल का, ठीक है। वायुमंडल की वायु के स्तंभ द्वारा, ये वायुमंडल के वायु के स्तंभ है, वायुमंडल की वायु के स्तंभ द्वारा लगाए गए भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। फिर से आई रिपीट, पृथ्वी तल के एकांक क्षेत्रफल पर, पृथ्वी तल के एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल की वायु के स्तंभ द्वारा लगाए गए भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। आप इस प्रेशर को एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं। ऊपर मैंने कीवर्ड दिया था, उसमें मैंने लिखा था, एक्सपेरिमेंट भी लिखा था। तो एक एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ मैं आपके लिए। वैसे कई एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक ग्लास वाला, जो एक्सपेरिमेंट मैंने लिया है वो एक ग्लास वाला लिया है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, एक ग्लास वाला। अब क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, उसे पानी से पूरी तरह से भर लेंगे। आप घर में भी कर सकते हैं, एक ग्लास लेंगे, उसे पानी से पूरी तरह से भर लेंगे, ठीक है। उसको भरने के बाद उसके मुंह पर गत्ते का टुकड़ा रख देंगे, क्या रख देंगे, गत्ते का टुकड़ा रख देंगे। ये हो, सॉरी, ये हो गया ग्लास, ये हो गया आपका, ये हो गया ग्लास, ठीक है, आप ये हो गया ग्लास, ठीक है। इस ग्लास में आपको क्या भरना है, पहले पानी भरना है, पूरा पानी से भरना है, उसके बाद इसमें गत्ते का टुकड़ा लगा देना है, क्या लगा देना है, गत्ते का, गत्ते का टुकड़ा लगा देना है। ये मैंने गत्ते का टुकड़ा लगा दिया, ठीक है, ठीक है, क्या लगा दिया, गत्ते का टुकड़ा लगा दिया। अब इस गत्ते के टुकड़े को हाथ से दबाए रखना है, जिससे पानी और गत्ते के बीच बिल्कुल भी वायु ना रहे। गत्ते के टुकड़े को ग्लास में इस तरह दबाएं कि दोनों के बीच में पानी, सॉरी, वायु बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्लास को धीरे से उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, ग्लास को उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा करेंगे, कुछ इस प्रकार से उल्टा करेंगे, ये ऐसा कर देंगे ग्लास को, ये हो गया ग्लास, हमने ग्लास को उल्टा कर दिया। जब ग्लास को हम उल्टा करते हैं तो ये जो गत्ते का टुकड़ा है इसमें चिपका ही रहता है, समझ में ना, गत्ते का टुकड़ा क्या रहता है, चिपका ही रहता है, याद रखेंगे आप सभी। ये हो गया गत्ते का टुकड़ा, ये ग्लास यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है, ये गत्ते का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा इसमें चिपका ही रहेगा, ये ऐसा समझ सकते हैं, क्लियर है। जब हमने गत्ते के टुकड़े को दबाकर ग्लास को उल्टा किया तो हम देखते हैं कि गत्ता ग्लास से अलग नहीं होता। इसका कारण क्या था कि गत्ते पर ऊपर की ओर लगने वाला वायुमंडलीय दाब गत्ते पर नीचे की ओर लगने वाले पानी के दाब से अधिक है। मतलब बाहर की तरफ लगने वाला वायुमंडलीय दाब, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये दाब पानी के द्वारा लगाए गए दाब से कहीं ज़्यादा है, पानी के द्वारा लगाए गए दाब से कहीं ज़्यादा है। इसे सिद्ध होता है कि वायुमंडलीय दाब
डालता है, वायुमंडलीय दाब डालता है, अर्थात गत्ता ग्लास से अलग नहीं हो पाता। और कई एक्सपेरिमेंट हैं, जर्मन के साइंटिस्ट थे 1654 में, ओटो वन गैरिक, जर्मन के एक साइंटिस्ट थे ओटो वन गैरिक, इन्होंने वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने के लिए एक शहर में एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, दो पीतल के मजबूत दो अर्ध गोले लिए थे जिनमें प्रत्येक के व्यास 50 सेंटीमीटर था, दो गोले लिए थे उन्होंने, ठीक है ना, अर्ध गोले मिलाने पर एक दूसरे के ठीक बैठते थे, मतलब समझ लीजिए पूरा गोल घेरा है जिसे कटिंग कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से उन्होंने घेरा लिया था, ठीक है, इस प्रकार से ठीक ठीक बैठते हैं दोनों एक दूसरे पर कि वायु अवरुद्ध हो जाए, मतलब वायु अंदर से बाहर ना, अंदर से बाहर ना, बाहर से अंदर जा पाए, ठीक है। अब पकड़ने के लिए दोनों अर्ध गोलों में मजबूत हैंडल लगे हुए थे दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों गोलों को हमने अलग कर दिया तो दोनों तरफ हैंडल लगे हुए हैं। एक अर्ध गोले में वायु निकालने के लिए एक टोटी लगी हुई थी जिसका संबंध सक्शन पंप से किया जा सकता है, मतलब सक्शन पंप की सहायता से वहां पर वायु भेज सकते थे, निकाल सकते थे, क्लियर है। अब क्या करते हैं, अर्ध गोले जो एक दूसरे से पास पास रखे हैं, जब अर्ध गोलों के अंदर हम वायु भरते हैं तो उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। सक्शन प्रेशर था ना, सक्शन पंप था जो क्या बोलते हैं उसको, ट्यूशन पंप, उसके माध्यम से जो हवा हमने भरा था, जब हवा भर देते हैं तो आसानी से उसको अलग कर लेते हैं, लेकिन जब हम वहाँ से हवा को निकाल देते हैं तो अर्ध गोले को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये भी किया था, दोनों तरफ के हैंडल में उन्होंने आठ आठ घोड़े लगाए, आठ आठ घोड़े बांध दिए थे, आठ आठ घोड़े बांधने के बावजूद दोनों जो गोले थे वो अलग नहीं हुआ। देखो आठ घोड़ा का ताकत यहीं पर नहीं होता, एक घोड़े में हम 746 हॉर्स पावर मानते, आठ आठ घोड़े दोनों तरफ बांधे, 16 घोड़ा भी उसको खींच नहीं पाया, अलग नहीं कर पाया। जानते हो इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि गोलों के अंदर की वायु निकाल लेने पर गोलों पर केवल वायुमंडल की वायु का दाब चारों ओर से पड़ता है, जिससे अर्ध गोलों को अलग करने में अत्यधिक बल लगाना पड़ता है। अर्थात इस प्रयोग के द्वारा आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायुमंडल की वायु सभी दिशाओं में बल डालती है, क्लियर है। ये सिद्ध होता है इस एक्सपेरिमेंट से कि वायुमंडल की वायु सभी दिशाओं में बराबर से बल लगाती है। अब कुछ उदाहरण के बारे में बात करता हूँ, एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ, तो कई एग्जाम्पल बनते हैं इसके, ठीक है, कई एग्जाम्पल बनते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ या पाइप के द्वारा पीते हैं, तो आपको पता होगा कि वो जो स्ट्रॉ रहता है, नली रहती है, हम उस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में डालकर उसको खींचते हैं, जिससे जो स्ट्रॉ रहती है, नली रहती है, उसमें एक आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब पेय पदार्थ की सतह पर लगने वाली वायुमंडलीय दाब के कारण, मतलब बाकी क्षेत्र में दाब लग रहा है पेय पदार्थ में, उस कोल्ड ड्रिंक में दाब लगने के कारण क्या होता है, स्ट्रॉ में ऑटोमेटिकली सतह पर चढ़ जाता है और अपने मुँह में आ जाता है, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वाला में होता है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए, फाउंटेन पेन पहले चलता था, बंद हो गया, अब डॉट पेन चलता है। फाउंटेन पेन हम लोग लिखते थे, फाउंटेन पेन का उपयोग हम लोग करते थे पहले, अभी तो पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते, आप मेरे को नहीं पता, देखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखेंगे जरूर देख लीजिए। फाउंटेन पेन में स्याही भरते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, रबर की नली को दबाते हैं, जिससे नली में दाब कम हो जाता है, मतलब रबर की नली को ऐसे दबाएंगे दाब कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। जब हम रबर की नली को छोड़ते हैं ना, तो स्याही की सतह पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के कारण स्याही नली में सीधे चढ़ जाती है, ठीक है, मतलब चूषण दाब जैसे स्थिति वहाँ पर बनती है, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है, द्रव से भरे बर्तन में के ढक्कन में एक सुराख करके बर्तन को उलट दें तो थोड़ा सा ही द्रव बर्तन से बाहर निकल कर रह जाता है, मतलब द्रव से भरे बर्तन के ढक्कन में एक सुराख कर दें तो बर्तन को अगर उल्टा भी कर देते हैं सुराख करने के बाद में, छेद करने के बाद में उल्टा कर देते हैं, तो वहाँ का द्रव बर्तन से थोड़ा ही निकलता है, बाकी नहीं निकलता। कारण ये है कि बर्तन के अंदर का दाब बाहरी वायु के दाब से कम होता है, ठीक है, बाहरी वायु के दाब से अंदर का दाब कम होता है। यदि हम द्रव से भरे बर्तन के ढक्कन में दो सुराख करके बर्तन को उलट दें तो द्रव एक सुराख से आसानी से बाहर आ जाता है, बाहर निकलने लगता है। यही कारण है कि सुराख के द्वारा द्रव पर वायुमंडलीय दाब लगता है, जिससे द्रव दूसरे सुराख से आसानी से बाहर निकल आता है, ठीक है। होल इन ढक्कन,
किसी भी उपकरण में हम छेद कर देते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति हमको देखने को मिलती है। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मिलेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आज की इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट हो सकता है, यह है इम्पेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि मनुष्य के शरीर पर वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के शरीर पर वायुमंडल दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। हमें पता है कि पृथ्वी तल पर इम्पैक्ट ये बता रहा हूँ ना मैं आपको, मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब जनरली 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी तल पर सामान्यता 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, और यह दाब मनुष्य के शरीर पर भी पड़ता है, फिर भी मनुष्य के शरीर को कोई कष्ट नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कारण यह है कि हमारे शरीर में कई असंख्य सूक्ष्म छिद्र हैं, ठीक है, उन छिद्रों के द्वारा हवा भीतर जाती रहती है और श्वास द्वारा खींची गई हवा फेफड़ों में जाती है, ठीक है। इस प्रकार हमारे शरीर के भीतर की हवा तथा खून का दाब बाहर के वायुदाब को संतुलित रखता है, क्लियर है ना। हमारे शरीर में कई असंख्य सूक्ष्म छिद्र हैं, तो असंख्य सूक्ष्म छिद्र है तो उनसे होकर वायु अंदर प्रवेश कर रही है, और हम क्या करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया के द्वारा, ब्रीदिंग प्रक्रिया के द्वारा अंदर वायु खींचते हैं, फेफड़ों में जाती रहती है। इस प्रकार भीतर की हवा और खून का दाब बाहर के वायुदाब को संतुलित रखता है, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार का दाब का अनुभव नहीं होता, याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वातावरण में, वायुमंडल में वायु कम हो जाता है, क्लियर है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है, पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई पर जाने पर जैसे जैसे हम ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी तुलना यदि मनुष्य के शरीर के भीतर की वायु और खून का दाब बहुत अधिक होता है, आपको पता होना चाहिए मनुष्य के शरीर का भीतर की वायु का दाब और खून का दाब बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर है। उस दाब की अधिकता के कारण मनुष्य के मुँह से, नाक से, कान से कभी कभी आपने देखे होंगे खून निकलना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में पाई जाने वाली जो आर्टरी है वो फट जाता है, मतलब जो धमनी है वो फट जाता है, रक्त धमनी फट जाता है, ठीक है, जिसके कारण खून निकलता है, क्लियर है। और गैस से भरा गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर जाने पर फूलकर फूट जाता है, आपने देखे होंगे जनरली जो गुब्बारा गैस से भरा है उसको जब हम वायुमंडल में छोड़ते हैं, वायुमंडल में जाने देते हैं, तो फूलकर फूट जाता है, पहले फूलता है फिर फूट जाता है, क्योंकि ऊपर जाने पर गुब्बारे की भीतर की गैस का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक हो जाता है, ठीक है ना। जब ऊपर जाता है तो गुब्बारे की भीतर की गैस का दाब वायुमंडल की दाब से अधिक हो जाता है, आपको पता है कि पृथ्वी तल पर वायु का घनत्व ज़्यादा है, दाब ज़्यादा है, ऊपर जाएंगे तो दाब कम होगा, घनत्व कम होगा, इसलिए, ठीक है। एक इसी प्रकार आपने देखे होंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया था फाउंटेन पेन को, वायुयान द्वारा वायुमंडल में ऊपर ले जाएं तो सही दिशाने लगती है, देखो कितना अच्छा चीज़ है, कुछ नहीं करना है, फाउंटेन पेन को अगर ऊपर लेते जाएंगे ना तो ऊपर क्या है, घनत्व कम हो रहा है, वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है, उस दाब को कम करने के लिए फाउंटेन पेन से अपने आप स्याही बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर रिसना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।